हेलो गाइज, आज मैं रियलमी C2 के वाइब्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज, आपको यहाँ से जहाँ से आप कॉल लगाते हैं वहाँ से आपको वाइब्रेशन के बारे में ऑन ऑफ करने का सेटिंग मैं बता दे रहा हूँ। तो गाइज, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। तो गाइज, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने यहाँ जहाँ से हम कॉल लगाते हैं, इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद आप गाइज यहाँ पर जहाँ से हम कीपैड वाला अपना फ़ोन लगाने का नंबर लगाते हैं, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पर नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ वाइब्रेशन का और कई ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे, कई सेटिंग यहाँ मिल जाएंगे जो कि आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो गाइज कमेंट भी बहुत आते थे कि भाई रियलमी C2 वाइब्रेशन के बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए हम वहाँ से आपको बता दे रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर पहले आपको स्टार दबाना होगा, जो कि मैं स्टार दबा दिया हूँ। स्टार दबाने के बाद आपको एक हैश लगाना होगा। हैश लगाने के बाद आपको 8 लगाना है। 8 लगाने के बाद आपको 99 लगा देना, उसके बाद फिर हैश लगा देना। तो गाइज यहाँ पर सिंपली सी अपने आप ऑटोमेटिक खुल गया है। तो गाइज मैं यहाँ से आपको, आप यहाँ से कुछ भी लगा सकते हैं, कीपैड, ब्लैक लाइट है, LED है। तो गाइज आप यहाँ से, आपको बहुत से यहाँ से जो कि मिल जाएंगे, कैमरे के बारे में मिल जाएंगे, फ्रंट कैमरे मिल जाएंगे, फ्लैश लाइट भी मिल जाएंगे, स्पीकर भी मिल जाएंगे। तो गाइज आपको यहाँ से बहुत से मिल जाएंगे जो कि आपको यहाँ इसमें आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, वाइब्रेटर लिखा हुआ है। तो वाइब्रेटर पे यहाँ देखिए, मैं पहले से लगा चुका हूँ, जो कि मेरे मोबाइल पे फ़ोन आता है तो वाइब्रेटर यहाँ होता है। तो आपको यहाँ पर एक क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए, यहाँ पर शॉर्ट वाइब्रेशन लिखा हुआ है, शॉर्ट वाइब्रेटर लिखा हुआ है, तो लॉन्ग वाइब्रेटर लिखा हुआ है। तो गाइज आप यहाँ से अगर शॉर्ट में लगाना चाहते हैं वाइब्रेटर तो शॉर्ट में लगा सकते हैं, अगर लॉन्ग में लगाना चाहते हैं तो गाइज लॉन्ग में भी लगा सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ से किसी एक को क्लिक करना है। तो चलिए मैं लॉन्ग पे कर दे रहा हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ हो चुका है, तो मैं इसको नीचे से पास कर दे रहा हूँ। तो गाइज यहाँ से मैं पहले लॉन्ग में लगाया था, तो गाइज मेरे को अब शॉर्ट में करना पड़ेगा, इसलिए पास लिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर फिर से मैं पास, चलिए मैं कर दे रहा हूँ। देखिए हो गया मेरा, ये जब टिक लग के आ जाएगा गाइज तो जान लीजिए आपका कॉल वाइब्रेटर हो गया है। तो गाइज मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। तो गाइज ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।